इंसान को हर चीज से नवाजा है, हर चीज से नवाजा है। माँ बाप, बहन भाई, दौलत, इज्जत, आबरू। इंसान अगर अपने जिस्म की तरफ देखे तो अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म में जो कुछ रखा है, अगर हाथों की तरफ देखे तो हाथ भी एक नेमत है, अगर पांव की तरफ देखे तो पांव भी एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, अगर इंसान मुंह की तरफ देखे, जुबान की तरफ देखे, अल्लाह पाक ने इंसान को हर चीज देकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसना मेज़बान असन ता तुसन तकरीर हमारा यूट्यूब चैनल एच के व्लॉग्स। नाज़रीन, पिछले कुछ दिन से मैं तक रहा कोई वीडियोस और व्यूज़ नहीं आए, शायद हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है। तो फिर मैं डेली लाइव व्लॉगिंग शुरू की, तो उन डेली ने बुनियाद पर कोई एक आध व्लॉग बनाना तो अपलोड करना। नाज़रीन, पिछले दिन हमारे एक दोस्त अफज़ल इश्तियाक उन्होंने वालदा वफात पाई है, तो आज उन्होंने दवाई है खत्म शरीफ रखे आने, तो उधर जा रहे हैं, तो चलो तुम दसने क्या प्रोसैस होना। ये खरीद सर ठीक है, ये जापानी दवाई खाने आए कल। राजा कुदर गया जी, राजा मोहम्मद वकास क्या करिए, ठीक है इतना कोई रंग नहीं था। मुंह कटो पा थोड़ा पीछे हुई था बना फोटो का बना नहीं यार है खोल के फोटो नहीं आ रहा है लोई बिच हुई ऊपर तक तो मेरे मुंह नहीं नजर आई रहा पर मैं थोड़ा पीछे कर मैं सवार ना दे मेरा कोई नजर आ चुका है بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله इंसान को हर चीज से नवाजा है, हर चीज से नवाजा है। माँ बाप, बहन भाई, दौलत, इज्जत, आबरू। इंसान अगर अपने जिस्म की तरफ देखे तो अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म में जो कुछ रखा है, अगर हाथों की तरफ देखे तो हाथ भी एक नेमत है, अगर पांव की तरफ देखे तो पांव भी एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, अगर इंसान मुंह की तरफ देखे, जुबान की तरफ देखे, अल्लाह पाक ने इंसान को हर चीज देकर एहसान नहीं जितलाया। जब नबी पाक की बारी आई, आमना के लाल की बारी आई, अल्लाह ने अपने नबी को मबूस करना चाहा तो फरमा दिया मोमिनो लकद बदलाहु अलल मोमिनीना इस बात भी हम रसूला, मोमिनो मैंने तुम पे एहसान कर दिया कि मैंने तुम में अपना शान वाला नबी तुम में अपना शानों वाला नबी मबूस फरमा दिया, तो उस नबी का मिलाद पाक हम सजा रहे हैं भरपूर मस्जिदों में। मैं दावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद बिशारत साहब को कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज से हमारे नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा तसद्दुक हुसैन साहब को कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे ग्लोबल वाज़ में नज़र आएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام معزز سامعین نبی نا आपकी समातों की नजर करके अगले स्नाखन को दावत नातों का मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। गज के आकर सुभान अल्लाह हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। और मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है कि सब चालियों में यारगार आप से है। कि सब चालियों में यारगार आप से है। सयाहकार हो आका बड़ी निदामत है। सयाहकार हो आका बड़ी निदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वका आप से है। और कहां वो अर्श मदीना कहां मेरी हस्ती कहां वो अर्श मदीना कहां मेरी हस्ती ये हाजरी का सबब बार बार आप। सुभान अल्लाह गज की आंखों सुभान अल्लाह। भरपूर मोहब्बतों में मैं दावत नाद दूंगा जनाब आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल जनाब बूसर खालिद साहब। आप आए और अपनी खूबसूरत आवाज से हमारे कुलूब आसान मुनव्वर फरमाए। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूलल्लाह नाराए तहकीक नाराए हैदरी या करीम। अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौजूद सामीन इकराम महफिल जारी व सारी है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूली अता फरमाए। और जितने आप इस महफिल में शामिल हुए हैं अल्लाह ताला सब का नाम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जिनके सारे सवाब के लिए सजी है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बेहतरीन मकाम अता फरमाए। दो अल्फाज की इसलाह करके अपने कलाम अक्सर कलाम होगा। दुआ करते हैं पढ़ने के बाद अल्लाह में करने की तौफीक अता फरमाए। एक जो उलमा की भी तवज्जो चाहूँगा
मैंने अक्सर प्रोग्राम पे ये बात की है और हर जगह कहा जाता है कि हर इंसान को जी मुर्शिद, हर इंसान को कहा जाता है जी मुर्शिद। तो ये लफ्ज़ एक पाक लफ्ज़ है और लफ्ज़ मुर्शिद भी नहीं है, मुर्शिद है। हम कहते हैं सैयदी मुर्शिदी, ये गलत है, सैयदी मुर्शिदी है। मुर्शिद वो होता है जिसको रहनुमाई दी जाए और मुर्शिद वो होता है जो रहनुमाई दे। एक ये बात, दूसरी बात हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये इल्मे कलाम का मसला है। अल्लाह ताला आखने ना बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हमें इस तरह कहना चाहिए कि अल्लाह, इस तरह अल्लाह का वजूद साबित होगा, ये इल्मे कलाम का मसला है। उलमा यहां मौजूद है, इसको इस तरह कहना चाहिए कि हर मौजूद अल्लाह के सामने है। अगर हम कहें अल्लाह मौजूद है तो ये नाला भी है, नदी भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, हर मौजूद अल्लाह के सामने है। आइए हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब। एक दफा नियत प्यार दे नाल हुजूर दी बारगाह विच आज लगो, साडा अकीदा है हुजूर देखते भी ने, हुजूर सुनते भी ने, हुजूर साडे चेहरे भी वेख रहे ने, हुजूर दिलां दे हाल भी जानते ने। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या कमली वाले, तो सुल्तान बना देते हैं, आए मंगता तो सुल्तान बना देते हैं, और उन जैसा मेहरबान किसी ने देखा ही नहीं, के काफर भी आए तो चादर भी बिछा देते हैं, दुश्मन भी आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। सरकार फरमाते ने कमली वाले दे जेड़े बने नौकर, राजी होना ते रब दी जातों दी। नारा रिसालत, नारा रिसालत, जिसो के लिए और हुजूर की आमद की खुशी में हर बंदे को खुशी होनी चाहिए। अहले हदीस और बाकी हम पे फतवे लगाते हैं, इंशाअल्लाह ताला अपने अपने इल्म के मुताबिक हम भी दलाल देना जानते हैं। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सोने की आमद। दुखियां दे दुख वंडना एक अब सरकारां दा, ते मौकफर दा तोड़ दिता आका तेरे कसवा, उस मुर्दे को दिया जाता है अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम। रावी लिखते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रावी लिखते हैं, जब वो इशारे सवा मुर्दे को पेश किया जाता है, मुर्दा इस कदर खुश होता है, अगर जहां की सारी खुशियां, जहां के सारे पहाड़ सोना बनाकर उसके सामने रख दिए जाए, वो खुश नहीं होगा जितना इशारे सवा कबूल। नहीं ना वो रखना जेड़ा मैं लसन नहीं ना ऐड कर।
बस बस फेरी जाओ नाने में मार उधर साकर साहब है मार मुंह में मार बच्चे देव आई है जी तो नाजरीन जिसे आप तुम्हें दसा सके असने प्यारे दोस्त हाफिज इश्तियाक साहब की वालदा ने आई पंद्रह से खत्म से जहर सब कुछ आखना चाहे मौनी अजमत पर मौनी अजमत पर क्या आखा जी मौनी अजमत ना यही है कि जिन्हें माँ कोई नहीं उन्हें पूछो जिस तरह मैं एक बदनसीब बैठा हो कि मौनी कदर क्या ही है मैं तो यही आखना जिन्होंने माँ प्यो जीने कि मऊ प्यो की खिदमत करो जे दुनिया पर आखिरत कुछ घिनना नहीं तो मऊ प्यो की खिदमत करो पूछो साढ़ा जो बदनसीब है कि जिन्होंने माँ प्यो कोई नहीं नाजरीन उम्मीद करना तुम्हें इन्हें ब्लॉग पसंद आया उसी तो चैनल लाइक सब्सक्राइब तो शेयर जरूर कर सो तो माड़ी अच्छी वीडियोस का इंतजार कर सो अल्लाह हाफिज़।